जिला सोलन की शमरेड पंचायत के शेवला ब्राकाटी गांव में कल रात करीब 10 बजे बादल फटने की जानकारी प्राप्त हुई है। गांव वालों की माने तो गत रात करीब 10 बजे जोर से बिजली गरजने की आवाज़ आई और जब ग्रामीणों ने बाहर आकर देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बादल फटा हो। पानी की काफ़ी तेज़ धारा बह रही थी जिसके कारण बड़े बड़े पत्थर और बहुत ही अधिक मलबा गांव के एक सामुदायिक भवन के पास आ गिरा। शेवला बराटी निवासी प्रकाश चंद्र ने बताया कि रात 10 बजे उनके घर के पास बहुत जोरों की आवाज आई और जब उन्हें बाहर आके देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बादल फटा हो, जिसके चलते बड़े बड़े पत्थरों के साथ बहुत सा मलबा उनके घर के समीप आ पहुंचा। मैं प्रकाश चंद, शेवला बराटी निवासी, ये ग्राम पंचायत शमरोड है। ये जो आप यहाँ का जो नज़ारा देख रहे हैं, ये सामने है आप लोगों के, रात को लगभग 10 बजे के करीब बिजली की आवाज़ आई और उसके 10 मिनट बाद हमने देखा तो यहाँ पे पानी ही पानी था। हम आए, हमने पानी को रोकने की कोशिश की लेकिन हमसे पानी रुक नहीं पाया। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक पानी का चश्मा होता था जो अब मतलब लुप्त हो चुका है, मिट्टी इसमें जा चुकी है। मैं रात के समय ऐसा लगा कि यहाँ पे बादल बादल ही फटा होगा। जो ये आप पत्थर, बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, ये शायद इसी द्वारा कुछ नीचे आए हो। ये गनीमत ये रही कि ये यहाँ सामुदायिक भवन तक नहीं पहुँचे, नहीं तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ये लगभग 10 बजे के करीब की बात है, हमने देखा एक तेज़ आवाज़ आई। हमने बाहर निकल कर देखा तो यहाँ पर पानी ही पानी था। उस वक्त हम अपना जो हमारे पास औजार होते हैं, फरुआ वगैरह लेके हम आए, हमने पानी को रोकने की कोशिश की लेकिन हम पानी को नहीं रोक पाए। लगभग थोड़े बहुत खेतों में पानी हमारे गया है और सामुदायिक भवन के प्रांगण में भी जो आप देख रहे हैं ये पानी गया है। बाकी गनीमत ये रही कि मतलब अंदर सामुदायिक भवन में पानी जाने से बच गया और ये जो पानी का यहाँ पे चश्मा था ये लुप्त हो गया है।